लगातार भारत जोड़ो यात्रा की 33वें दिन की यह तस्वीरें हैं। चित्रदुर्गा का इलाका है और यहाँ पर हिरियूर से यह काफिला गुजर रहा है। बारिश झमाझम है, बरखा बरस रही है, मगर लोगों का जनसैलाब कम नहीं हो रहा है कि बारिश में तूफान में राहुल गांधी मैदान में, बारिश हो तूफान हो जो भी हो, ये भारत जोड़ने के लेने निकले हम लोग। तभी बारिश के साथ साथ मतलब कि नारों के साथ आगे बढ़ रही थी। एक्साइटिंग मोमेंट एक्चुअली, यू नो इन मैसूर राहुल जी ऑलरेडी टोल्ड नन ऑफ दीज थिंग्स कांट स्टॉप इस यात्रा। जिसको करनी है उसको डर और भयनाम की चीज नहीं है, जिसको नहीं करनी वो सोचने से डर सकता है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा की 33वें दिन की यह तस्वीरें हैं। चित्रदुर्गा का इलाका है और यहाँ पर हिरियूर से यह काफिला गुजर रहा है। बारिश झमाझम है, बरखा बरस रही है, मगर लोगों का जनसैलाब कम नहीं हो रहा है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा की 33वें दिन की यह तस्वीरें हैं। चित्रदुर्गा का इलाका है और यहाँ पर हिरियूर से यह काफिला गुजर रहा है। बारिश झमाझम है, बरखा बरस रही है, मगर लोगों का जनसैलाब कम नहीं हो रहा है। लगातार भीड़ बढ़ता जा रहा है और लोग राहुल गांधी के साथ इस काफिले में दिख रहे हैं, चल रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग इस काफिले में राहुल गांधी समेत सभी लोग भीग रहे हैं। और इस काफिले भारत जोड़ो यात्रा ने शायद एक नया इतिहास, एक नया चीज लिखने का काम किया है। हिरियूर में किस तरह से लाखों की संख्या में भारत जोड़ो यात्री जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ लगातार चलते जा रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और लगातार राहुल गांधी अपने तमाम साथियों के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। बारिश हो रही है, झमाझम बारिश, उसके बावजूद ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पीछे लाखों का काफिला है, उसके बावजूद राहुल गांधी का ये काफिला रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। ये बताइए कि राहुल जी आज बारिश में भीग रहे थे तो क्या उद्देश्य क्लियर है कि 2024 तक राहुल जी को कोई रोकने वाला नहीं है? हम लोग जब राहुल जी के साथ चल रहे थे अचानक बारिश शुरू हो गई और आपने देखा होगा जनता से निकल कर एक नारा आया कि बारिश में तूफान में राहुल गांधी मैदान में। तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि जनता ये नारा लगाएगी। जनता भी समझ रही है कि राहुल गांधी जी जिन कारणों से सड़कों पर निकले हैं वो देश के लिए निकले हैं, देश की जनता के लिए निकले हैं, उनकी भलाई के लिए निकले हैं। तो जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लगातार ये यात्रा बारिश हो तूफान हो आंधी हो आगे बढ़ती जा रही है और इसमें लाखों लोग दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। तो बारिश हुई तो राहुल जी डर गए या रुक गए या उनको जो है लोगों की समस्याओं ने आगे बढ़ने का मतलब ताकत दिया? डरने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जब आप कोई बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो आपके आगे बहुत सारी तूफान आएंगे। आज बारिश आई, ऊपर वाला जब बरसात देती है तो कुछ रहमत भेजती है, तो आज वो हमारे लिए वो एक नेमत थी जो ऊपर वाले ने भेजा है। और राहुल गांधी ऐसे ही चलते रहेंगे, बारिश हो तूफान हो जो भी हो, ये भारत जोड़ने के लेने निकले हैं हम लोगों ने। तो बारिश हुई तो राहुल जी रुके नहीं, तो क्या राहुल जी ने उद्देश्य क्लियर कर दिया है कि 2024 तक आप लड़ाई चलती रहेगी? ये देखो 2024 तक नहीं, ये लड़ाई 2024 की नहीं है, ये लड़ाई है जो भ्रष्टाचार है, जो एक तरफ मतलब ये बीजेपी सरकार गुंडागर्दी कर रही है, जो बेरोजगारी है, ये लड़ाई उस चीज़ की, सत्ता परिवर्तन वाली नहीं है। सत्ता परिवर्तन का देखा जाए तो मोदी जी जब को राजनीति का पता भी नहीं था जब राहुल गांधी जी की फैमिली में प्रधानमंत्री थे, ये कोई हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है। तो बारिश हुआ तो राहुल गांधी नहीं रुके, तो आप लोग को कितना इस मोमेंट ने उत्साह दिया कि हमें लड़ना है? ये हमें राहुल गांधी जी ने ये उत्साह जो दिया, जनता ने दिया। राहुल गांधी जी जब चल रहे थे तो जनता भी बारिश के साथ साथ मतलब कि नारों के साथ आगे बढ़ रही थी। राहुल जनता है जो ये वही आगे बढ़ा रही है। तो बारिश हुआ मैम तो आप there was rain but that rain couldn't stop Rahul Gandhi, so what was feeling and how that moment excited you for the walking more? It is not an exciting moment actually, you know in Mysore Rahul ji already told none of these things can't stop his yatra. Actually he is doing this yatra for a particular aim, ye log ko jodna hai. आपको यू नो वॉट हैपन इंडिया इन लास्ट फ्यू ईयर्स, एक्चुअली इन इंडिया वी लिव वेरी पीसफुली, वॉट एवर इट इज वेन एवर द मोदी केम इन टू पावर दे आर डिवाइडिंग अवर पीपल, सो इट इज़ अवर एम, कांग्रेस का लक्ष्य यही के ये लोगों को जोड़ना। इसके लिए राहुल जी ये
यात्रा करती है, वी ऑल आर वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिम, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एक्साइटमेंट। तो कैसा रहा बारिश का यात्रा, आप लोग भी दिखते रहे और राहुल गांधी चलते रहे, तो थके नहीं डरे नहीं आप लोग? जी थकने और डरने वाली बात तो इसीलिए नहीं है कि जब कोई 3570 किलोमीटर की यात्रा मन में सोचता है तो जिसको करनी है उसको डर और भय नाम की चीज़ नहीं है, जिसको नहीं करनी वो सोचने से डर सकता है। तो 3570 किलोमीटर की यात्रा में ये बारिश नहीं, और भी कई विघ्न बाधाएं और कई चीज़ें आएंगी, पर राहुल जी और हम सब लोग और जनता साथ चलते रहेंगे और जिस उद्देश्य से हम लोग निकले हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होने तक निरंतर चलते रहेंगे। देखिए सोशल मीडिया पर नहीं, इस देश की जनता के दिलों में छा गए राहुल गांधी जी, और हम ये मान सकते हैं कि देश की जनता ने जो नफरत और जो महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी को उखाड़ फेंकने का सोच लिया है और जिसका माध्यम राहुल जी बन रहे हैं। सवाल और है मेरे पास कि अभी जब बारिश हो रही थी तो आप लोग थक रहे थे, चल रहे थे, तो क्या ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि बारिश हो रही है नहीं चलना चाहिए, मगर राहुल जी पीछे से भीगते आ रहे हैं तो आपको लगा कि हमारा लीडर चल रहा है तो हम क्यों नहीं चलेंगे? देखिए हम लोग यात्रा के हमेशा थोड़ा आगे चलते हैं, तो जैसे ही बारिश शुरू हुई कुछ साथियों ने कहा कि हमें रुकना चाहिए, हम लोग रुके 2-4 मिनट, लेकिन जब हमने देखा पीछे राहुल जी उस बारिश में लगातार चल रहे हैं तो हमारा जोश बढ़ा और हम लोग भी फिर बारिश में आगे बढ़ गए, और बारिश भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई उनके हौसलों के आगे, और लगभग 10 मिनट में बारिश बंद हुई और फिर लगातार हम लोग चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो बारिश हुई, राहुल जी नहीं रुके, आप लोग नहीं रुके, तो क्या बारिश ने भी राहुल जी का रास्ता नहीं रोका? बारिश क्या, इस दुनिया में कोई भी ताकत राहुल जी को अब नहीं रोक सकती है। राहुल जी ने जो मुहिम छेड़ा है भारत जोड़ो यात्रा का, इस देश को जोड़ने का, वो सफल होने जा रहा है, और अब जो माहौल इस देश में क्रिएट हो रहा है आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे कर्नाटक में, आप तमिलनाडु से देख रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जो लोगों का प्यार मिल रहा है राहुल जी को और इस यात्रा को, वो अकल्पनीय है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।